सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल विल बी वेरी गुड। तो आज मैं आपके साथ गाजर का हलवा बनाने की एक स्पेशल एंड ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है एंड इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे गाजर को अच्छी तरीके से साफ करके कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए हम फटाफट से हलवा बना लेते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है। हम ऐड कर रहे हैं 2-4 टेबलस्पून घी। तो जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाता है, हम उसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किए हुए गाजर। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गाजर को ऐड करना है एंड इसे मिलाते जाना है। थोड़ा थोड़ा ऐड करने से क्या होता है कि हम इसे मिलाने में आसानी होगी। तो ये देखिए, हमने सारे गाजर को ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे। हमें गाजर को चलाते हुए इसे लगातार भूनना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, हमारा गाजर अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क। तो हमने यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी गाजर से दुगनी रखनी है। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास फुल क्रीम मिल्क का यूज किया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड इसे भी चलाते हुए 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं एंड इसे हम अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। एंड आप हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं गुड़। तो मैंने यहाँ पे शुगर का यूज नहीं किया है, हम इसे थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। तो अब हम इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 5-7 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है एंड मिल्क भी हमारा एकदम से ड्राई हो गया है। तो हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे एंड इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड किया है एंड अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड ये हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल से रेडी है। तो आप भी सर्दियों के मौसम में बनने वाले गुड़ के इस गाजर की झटपट सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको भी जरूर पसंद आएगी। वैसे तो गाजर का हलवा बिना मावा बिना शक्कर के इनकम्प्लीट ही रहता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है। गुड़ से भी गाजर का हलवा काफी ज्यादा टेस्टी बनता है एंड ये साथ ही साथ काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो आप भी गुड़ डालकर गाजर का हलवा बनाएं एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।